ब्लॉक परिषद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की बैठक का आयोजन, किसानों के ऊपर की गई चर्चा। मंडी धनोरा क्षेत्र के ब्लॉक परिषद में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं उपजिलाधिकारी को एक समस्या से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद बैठक में संगठन के विस्तार के लिए कई लोगों को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की सदस्यता ग्रहण भी कराई गई और उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत भी कराया गया है। पदाधिकारियों ने बताया है कि अब किसानों के साथ काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है, उनकी समस्याओं को लेकर हमने एक ज्ञापन सौंपा है। आज जो आपकी मीटिंग हुई है इसके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सुमित कुमार नागर, प्रदेश महासचिव किसान यूनियन लोक शक्ति से। आज हमने जो है यहाँ 27 तारीख में मीटिंग करी है, महीने की हर 27 तारीख को हमारी मीटिंग होती है। यहाँ हमने गन्ने के पेमेंट के बारे में मीटिंग करी है, ना तो हमारा गन्ने का पेमेंट मिल पा रहा और ना ही हमारा गन्ने की बढ़ोतरी हो पा रही है पेमेंट के ऊपर। और क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा गैस का है, पेट्रोल का है, डीजल का है। हम ये चाहते हैं गैस पेट्रोल डीजल GST के अंदर आए, जिससे आम पब्लिक को फायदा हो। अच्छा, अभी जैसे एक किसान संवाद हुआ है मुख्यमंत्री का, उसमें उन्होंने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री योजना से कोई, मुख्यमंत्री द्वारा योजना से कोई नहीं, ये तो एक तरह से जो है किसान दिया छलावा है। जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कल परसों ही एक बताया है कि गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी और जो किसानों के जो बिजली बकाया बिल था उसमें उनका कनेक्शन नहीं कटेगा। पंजाब सरकार ने 50 रुपये बढ़ाए और जबकि UP सरकार ने 5 रुपये बढ़ाए हैं, जबकि हमारा मुख्यमंत्री तो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने तो कम से कम 60-10 रुपये एक्स्ट्रा पंजाब से बढ़ा के 50 और 10-60 रुपये कम से कम बढ़ाने चाहिए। और बिजली बिल में सबसे ज़्यादा धांधलीबाजी होती है, ये कहने की बात है, सिर्फ पेपर में होता है कि बिल नहीं कटता है, बिजली वाले आते हैं और बिल काट के चले जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये 2022 में जो है इन्हें भाजपा सरकार को पता चल जाएगा किसान क्या चीज़ है और क्या होने वाला है। तो ये जो घोषणाएं की गई हैं इसको आप क्या देखते हैं, चुनावी स्टंट मानते हैं क्या? इसमें जो चुनावी स्टंट है उसमें चुनाव से अलग और कुछ नहीं है, चुनाव की वजह से जो है आम पब्लिक को लुभाया जा रहा है। तो किसानों को रुझाने के लिए कुछ ऐसा घोषणा की गई है? किसान को लुभाने के लिए ये घोषणा करी गई।